नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा गुसाई आपका स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल प्रॉपमैन में। आज हर रोज की तरह मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ खास खबरें, तो चलिए शुरू करते हैं। यमुना प्राधिकरण ने बुधवार को बने बनाए फ्लैटों की स्कीम निकाल दी है। जो सबसे पहले इस स्कीम में आवेदन करेगा उसी को फ्लैट मिल जाएगा। फ्लैट पूरी तरह से बनकर तैयार है, अलॉटमेंट के बाद अपने फ्लैट में आकर रह सकते हैं। इस स्कीम में कुल 462 फ्लैट शामिल है। क्या है पूरी स्कीम, चलिए जानते हैं। यमुना प्राधिकरण से मिली जानकारी के मुताबिक यह फ्लैट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास सेक्टर 22D में है। इन फ्लैट का एरिया 99.86 वर्ग मीटर है। फ्लैट की कीमत 42.34 लाख रखी गई है। इसकी रजिस्ट्रेशन कीमत 4.23 लाख रखी गई है। स्कीम का ब्रोशर 500 रुपए में यमुना अथॉरिटी की वेबसाइट से खरीदा जा सकता है। इस स्कीम की खासियत है कि यहाँ पर पॉड टैक्सी चलेगी जो यमुना एक्सप्रेसवे के नज़दीक है। मेडिकल डिवाइस पार्क, इंटरनेशनल फिल्म सिटी, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब प्रोजेक्ट भी इन्हीं फ्लैट्स के पास है। अब नजर डालते हैं दूसरी खबर पर। यमुना अथॉरिटी के किसानों के लिए अच्छी खबर है। किसानों के साथ निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए बड़ी खबर है। यमुना अथॉरिटी इंडस्ट्रियल सेक्टर 10 में 6 इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रहा है। इसके लिए यमुना अथॉरिटी 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने जा रही है। जमीन अधिग्रहण करने के लिए सामाजिक समाधान करने के लिए 7 सदस्यों की समिति गठित कर दी गई है। यमुना प्राधिकरण 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण करने के बदले में किसानों को मोटा मुआवजा देगी। ये 6 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे। यमुना सिटी के सेक्टर 10 में 6 इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किए जाएंगे, जिनमें सेमीकंडक्टर पार्क, लेदर पार्क, प्लास्टिक पार्क, होम फर्निशिंग पार्क, फुटवेयर पार्क और हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट पार्क शामिल है। ये सभी इंडस्ट्रियल पार्क 100 एकड़ जमीन पर बसाए जाएंगे। इन इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए अकालपुर और मयाना गांव के किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाएगी। 1300 एकड़ जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होगी। जमीन अधिग्रहण करने के लिए यूपी औद्योगिक विकास अनुभाग के उप सचिव मनोज कुमार मौर्य के आदेश पर सामाजिक समाघात करने के लिए 7 सदस्यों की समिति बनाई गई है। इस समिति की मंगलवार को जीबीयू में अहम बैठक हुई है। इस समिति में इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सतीश कुमार, दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नीना पांडे, अकालपुर गांव के प्रतिनिधि ज्ञानेंद्र सिंह, मयारा गांव के प्रतिनिधि सुधीर शर्मा, प्रभात झा, प्रोफेसर संतोष कुमार और नोएडा अथॉरिटी के DGM प्रोजेक्ट श्रीपाल भाटी को शामिल किया गया है। सामाजिक समाघात निर्धारण समिति ने मंगलवार को GBU में बैठक की। सामाजिक समाघात निर्धारण समिति की रिपोर्ट आने के बाद सेक्टर 10 में 1300 एकड़ जमीन के अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू होगी। ADM लैंड जमीन का अधिग्रहण करेंगे। तो फिलहाल आज मेरे साथ इतना ही। आशा करती हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें। कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमें आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए और अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।